जितने भी होते हैं मतलब वो अलग अलग काम के लिए आते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं, सक्सेसफुल हो जाता हूँ। दूसरा जो काम का नहीं वो तो फायर डिपार्टमेंट है, उनका काम का है। ये जो नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हो और फायर स्टाफ के साथ काम कर रहे हो या फायर टेंडर कहीं पर आई है, जैसे आप सिविल डिफेंस में और कोई दुर्घटना हुई है उस जगह पर आपको अगर बुलाया है, जैसे आप वहाँ पर काम कर रहे हो तो उस जगह फायर की गाड़ी आई, स्टाफ को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टाफ की ये हो जाए, ये गाड़ी के पीछे पंप के वहाँ पर लगता है, इससे फायर का जो पॉइंट होता है वहाँ तक बिछाया जाता है और उसके बाद इसको ब्रांच बोलते हैं, ये इसके आगे लगती है। और ये क्या है, मल्टीपल टाइप की होती है, इनको यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग हैं। और मल्टीपल टाइप ये है कि एक ही ब्रांच से काम ले सकते थे, अलग अलग क्यों लिए, ये सवाल है किसी का, एक ब्रांच से काम चल सकता है, अलग अलग क्यों लिए। सबसे पहले नॉर्मली जनरल जो सब जगह पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में जो यूज की जाती है ये है जनरल ब्रांच, शॉर्ट ब्रांच भी इसी का नाम है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। ये यहाँ से खोल दीजिए, ये सभी फायर टेंडर में मिल जाएगी, जितनी भी जगह हैं बड़ी बड़ी, जो भी जैसे इंडस्ट्री हैं या फिर कोई भी बड़ा मॉल है, बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है, उनमें भी ये सिस्टम लगे होते हैं, वहाँ पे भी आपको यही ब्रांच मिलेगी। ये शॉर्ट ब्रांच है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्ट जैसे ही आप पंप से या हाइड्रेंट से इसको होस पाइप को कनेक्ट करोगे तो सीधा इस पर नॉन कंट्रोल है, वहीं से कंट्रोल होगी, जो हाइड्रेंट है वहाँ से कंट्रोल करो। ये है फायरमैन एक्स, ये फायरमैन एक्स है, फायरमैन का साथी होता है, ये हमेशा वैसे यहाँ लगी होती है, यहाँ पर यूनिफॉर्म पर नॉर्मली गाड़ियों में होती है, सबके पास होती है ये। आपको जहाँ भी आप जाओगे, जैसे बड़ी बिल्डिंग है, ये मॉल है, बड़ी बिल्डिंग, जहाँ भी फायर इक्विपमेंट लगे हुए ना, ये आपको साथ में मिल जाएगी वहाँ पर। काम क्या आती है, जैसे कोई गेट है, गेट का लॉक नहीं खुला हुआ और उसके अंदर आ जाएगी और आपके पास कुछ भी नहीं, आप सीधे भाग के चले गए, आपका काम है, आप नागरिक सुरक्षा कर रहे हो तो आप तो जानते हो आपके आसपास आग लगी है, तो आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको आग बुझानी। उस केस में क्या होता है, ये वहाँ पे अगर बड़े भवन होते हैं या फिर आपके साथ जैसे फायर गाड़ी आई है या फिर दोस्त, ये वहाँ से लेके अगर इलेक्ट्रिकल वायर की कोई सप्लाई है वहाँ पर, उसको हम इससे काट सकते हैं, के द्वारा काटा जा सकता है। इसको 20,000 वोल्टेज पर टेस्ट किया जाता है, वैसे तो हम इसको 23,000 तक यूज़ करते, करते नहीं है, नॉर्मल 11,000 तक करते हैं, लेकिन 20,000 वोल्टेज पर टेस्ट किया जाता है। तो इसमें करंट आने की कोई संभावना नहीं है, आता ही नहीं है किसी भी तरफ, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट होता नहीं है। और दूसरा काम होता है जैसे लॉक है, कोई लॉक लग रहा है उसको तोड़ दिया, इसे तोड़ सकते हैं आसानी से, इसे तोड़ा जा सकता है। और भी कई चीज़ें हैं जैसे काट नहीं हो, गेट लॉक नहीं है, गेट आजकल वो न्यू पैटर्न वाले आ गए, दीवार में जो डायरेक्ट फिटेड है या फिर होटल के जो अलग अलग होते हैं, उन गेटों को तोड़ने के लिए भी काम में आती है, इससे कट सकता है आराम से, छेद हो जाएगा गेट में, तो उसको आराम से, या तो अंदर से कुंडी लग रही है वो भी खोल सकते हैं, जैसे कोई गेट उसके लोग नहीं लग रहा, अंदर से कुंडी लग रही, कोई अंदर आत्महत्या कर रहा है, मान लो सब चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं ना, मान लो कोई आत्महत्या कर रहा है और आपको दिख रही है कहीं पर फायरमैन एक्स खड़ी है, इसके थ्रू अपन तोड़ के और अंदर से कुंडी खोल सकते हैं, जैसे ग्लास है खिड़की हो गई उनको तोड़ा जा सकता है। दूसरा एक सीलिंग उठाता है, वो भी यहाँ पे है नहीं है, उस किस्म पर है सीलिंग उठाता है, कोई इतना बड़ा होता है मतलब, उससे ज़्यादा बेहतर होता है गिलास वगैरह को तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे क्या है अगर हम नज़दीक से तोड़ते हैं ना तो आज हमारे ऊपर आ सकते हैं और घटना ग्रस्त कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये अलग अलग जो ब्रांचें हैं इनका काम क्या है, ये है कोक, कोक नोजल या फूक, इसे क्रिएट क्यों करते हैं, इसकी वजह ये है, जैसे हम कहीं का आग हो जाए, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आग हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, हीट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे मार देंगे आग लगती है, गोदाम में आग लगेगी, पर गोदाम में क्या पहले से आग लग रही है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए मार लेंगे, तो वहाँ पर क्या है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब फायरमैन जो भी जाएगा, मान लो आप सूट पहन के भी जाते हैं तो भी गर्मी लगती है, तो सूट पहन के जाओगे तब भी गर्मी लगेगी, इस चीज़ से राहत दिलाने के लिए ये काम में आती है। इसको क्या है, दो यहाँ पे दो नोजल